गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड अ न्यू लेसन द लिटिल गर्ल. वी हैड स्टडीड टिल पैराग्राफ नंबर 4. टुडे वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 5. लेट्स रीड द पैराग्राफ नंबर 5 एंड अंडरस्टैंड द लेसन. लबोरियसली मीन्स you can see on your right side of your screen. Laboriously means with a lot of effort or difficulty. Matlab bahut parishram karna. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Little girl Kesia do cotton ka kapde le liya aur uske tino taraf dono ko sila di. बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन उसे क्या किससे भरेगी. दैट वॉज द क्वेश्चन, यही प्रश्न था. द ग्रैंड मादर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वांडर्ड इन टू मादर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स मीन्स टुकड़े टुकड़े पेपर, कपड़े, स्क्रैप्स रद्दी कपड़े और पेपर का टुकड़ा. द ग्रैंड मादर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वांडर्ड इन टू मादर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. ग्रैंड मादर गार्डन में गई थी और उसकी मादर भी घर में नहीं थी. उसने मादर के बेडरूम पर गई और वहाँ कुछ रद्दी कपड़े ढूंढने लगी. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the four side. मम्मी के बेडरूम में, बेडरूम के टेबल में केसिया ने देखा कि वहाँ कुछ अच्छे पेपर पड़ा हुआ है. सबको इकट्ठा किया और उसको टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ दी और उसको उस कॉटन के जो बैग बनाई थी उसमें ठूस दिया. स्टफ का मतलब ठूसना. देन सीड अप द फोर्थ साइड, और चौथे तरफ उसने सिल दी. नाउ नेक्स्ट. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उसी शाम को, उसी दिन का शाम को उनके घर में बहुत हल्ला हुआ. Hue and cry means हल्ला मचाना. Father's great speech for the port authority had been lost. उसका पिताजी का port authority में जो speech देने वाला था उस paper में लिखा गया था, वह अभी खो गया है. Rooms were searched, servants questioned. पूरा कमरा में ढूंढा गया और उस नौकरों को भी पूछा गया उस paper कहाँ है. फाइनली मादर केम इन टू केसियस रूम. अंत में केसिया की मम्मी केसिया के रूम में आई. केसिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम. और उसने, उसकी केसिया की मम्मी ने केसिया से पूछती है, केसिया क्या आपने कुछ पेपर हमारे बेडरूम में देखी है. ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज. और केसिया ने जवाब देती है, हाँ मैं देखा हूँ और मैं उसको फाड़ दिया सरप्राइज बनाने के लिए. व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. और उसकी मम्मी ने गुस्सा होकर चिल्लाई, क्या, जल्दी नीचे आओ डाइनिंग रूम में इसी वक्त. नाउ कम टू द पैराग्राफ नंबर 6. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और केसिया की मम्मी ने उससे खींचते हुए उस जगह पहुँचा जहाँ केसिया के पिताजी अपने दोनों हाथों को पीछे रखकर आगे पीछे चल रहा था. टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे होना. वेल, ही सेड शार्पली, उसके पिताजी ने कहा, अच्छा. मदर एक्सप्लेन्ड, और उसकी मम्मी ने सब कुछ बता दी.
ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड. उसके पिताजी ने रुका और केसिया के तरफ एकटक देखने लगा. डिड यू डू दैट? उसके पिताजी ने कहा, क्या तुम उसको वही किया है? नो, शी व्हिस्पर्ड. केसिया धीरे से बोली, नहीं. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और इसके बाद केसिया के पिताजी ने केसिया के ग्रैंड मदर से कहा, मम्मी जाओ ऊपर जाओ उसके बेडरूम में और बेकार का चीज़ों को नीचे लाओ और देखो कि शायद उसने बेड के नीचे कहीं छुपा दिया होगा. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और केसिया ने सब कुछ वर्णन किया, रोते हुए वर्णन करती रही, लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं था. इसलिए उसने कमरा के अंधेरे कमरे में उसने लेट गया. देन फादर केम इन टू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स. इसके बाद केसिया के पिताजी एक डंडा लेकर उसके पास आया. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उसके पिताजी ने उसे कहा, मैं अभी तुमको इसके लिए मारूंगा. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स. लेकिन केसिया ने चिल्लाते हुए कहा कि नहीं नहीं, और उसने बेडशीट के नीचे छुप गई. ही पुल्ड देम असाइड, और उसके पिताजी ने बेडशीट को खींचकर अलग कर दिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. उसके पिताजी ने उसे कहा, बैठो और अपने हाथ मुझे दिखाओ. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डस नॉट बिलोंग टू यू. इसके बाद उसके पिताजी ने केसिया से कहा कि मैं आज हमेशा के लिए तुझे एक शिक्षा दूंगा ताकि कि तुम किसी दूसरों का चीज़ों को मत छूना. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. और केसिया ने कहा कि पिताजी, ये तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए है. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और उसके पिताजी ने उसके छोटे हाथ हथेली में रूलर से मार दिया. पैराग्राफ नंबर 8. आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लांग टू हर सॉफ्ट बॉडी. कुछ घंटों के बाद उसके ग्रैंडमदर केसिया के ग्रैंडमदर उसको समेट लिया, अपने हाथों से केसिया को पकड़ लिया, समेट लिया और शॉल से ढांक दी और उसको एक झूला के चेयर में लेकर बैठा दिया और केसिया उसके छाती पर लिपट गई. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड. मतलब केसिया रोने लगी और कहने लगी कि ईश्वर पापा लोगों को क्यों बनाया. हियर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोस. और उसके ग्रैंडमदर ने केसिया से कहा, यहाँ एक साफ रुमाल है, इससे तुम अपना नाक पोछ लो. गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग. अभी तुम सोने के लिए चले जाओ और सुबह तुम सब कुछ भूल जाएगी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. और उसके ग्रैंडमदर ने उससे कहा कि मैं आपके पिताजी को बताने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं सुनी क्योंकि अभी बहुत गुस्सा में है. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. लेकिन
सुबह भी केशिया नहीं भूली। और उसने जब उसके पिताजी को देखा, अपने दोनों हाथों को पीछे कर दिया और उसके दोनों गाल लाल हो गए। नाउ कम टू द पैराग्राफ नंबर 9। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स मीन्स एक परिवार का नाम है, जैसा कि यहाँ दास मिश्रा इस प्रकार एक परिवार का टाइटल है ना, इसी प्रकार परिवार का टाइटल है मैकडोनल्ड्स, एक परिवार है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर और मैकडोनल्ड्स फैमिली उनके बगल में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और केशिया ने देखा फेंस मतलब दीवार के छेद से देखा कि उन बच्चे टैग खेल रहे थे। टैग का मतलब एक दूसरे को छूने का एक खेल का नाम है टैग, वही खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, और उनके पिता उनके साथ थे। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। और 2 लड़कियां उसके पिताजी के पॉकेट में झूल रहे थे और बहुत हंस रहे थे। वंस शी सो द बॉयस टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और केशिया ने भी देखा कि लड़के उसके पिताजी के ऊपर होस मतलब पाइप से उसके ऊपर पानी छिड़क दिए और उसके पिताजी उनको दौड़ाता रहा, हंसते हुए दौड़ाता रहा। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। इसके बाद केशिया ने सोचा कि बहुत टाइप के फादर पिताजी होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन अचानक उसकी मम्मी बीमार हो गई और मम्मी और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। और केशिया जो छोटी लड़की है वह घर में खाना बनाने वाली औरत के साथ घर में रह गई। औरत का नाम है एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। हाँ, दिन में तो ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्राइड। लेकिन शाम के बेला में जब एलिस कुक केशिया के लिए बेड बिस्तर बना रही थी, उस समय केशिया को थोड़ा सा डर आने लगा। डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी दिस मच। नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टडी फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 10। बाय द टाइम बाय।